अभी से हम लोग दूसरा टॉपिक इसका एग्जाम्पल कर लीजिए एक तो, जैसे कि समझना पड़ेगा, जैसे हम तो बता तो दिए लेकिन जब क्वेश्चन कीजिएगा तो प्रॉब्लम कर सकता है कि हम पहचानने में प्रॉब्लम करें, सुनने में तो आसान लगता है लेकिन कुछ कुछ टॉपिक चेंज होता है। तो इसका हम एग्जाम्पल कर रहे हैं, क्वेश्चन मतलब आपके पास नॉर्मल क्वेश्चन में आता है, जैसे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल में क्या बता रहा है, एक वाई लिमिटेड है जो इनकॉर्पोरेट कभी हुआ है 1 जुलाई 2023 को इनकॉर्पोरेट हुआ है, टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ जेड लिमिटेड, मतलब कि जेड लिमिटेड पहले से चल रही थी लेकिन वो वाई लिमिटेड कब उसको लिया है 1 जुलाई 2023 को, और लिया कब से है 1 अप्रैल 23 को ही ले लिया, जेड लिमिटेड का बिजनेस को इसने 1 अप्रैल 2023 को ले लिया लेकिन वो वाई लिमिटेड जो लिया तो इनकॉर्पोरेट कब हुआ है 1 जुलाई 23 को। द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2014, मतलब ये अकाउंटिंग ईयर कब करता है, जब 31 मार्च 2024, इसका मतलब शुरुआत कब किया होगा 1 अप्रैल 2023 हुआ होगा, अप्रैल 23 हुआ होगा ना, मार्च 24 जब एंडिंग है तो बोलता है कैलकुलेट द प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, इसमें आपको प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड को पहचानना है। तो हम लोग एक फाइनेंशियल ईयर है, ये क्या है 1/4/23, ये क्या है डेट ऑफ टेक ओवर, जिस दिन हमने क्या किया जेड लिमिटेड को लिया और हमने अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कभी किया 1/7/23 को, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। और ये क्या है 31/3/24 क्या है आपका क्लोजिंग डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर है। तो सिंपल है, यहाँ पे जो ये जो पीरियड हुआ, इस बीच का जो पीरियड हुआ, ये पीरियड हमारा क्या कहलाएगा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो प्री इनकॉर्पोरेशन में डेट क्या कोई पूछेगा अगर तेरी में कब से कब का है, तो डेट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 टू 1 जुलाई 2023, नहीं जबकि यहाँ पे हाँ 1 जुलाई 2023, तो बोलता है यहाँ पे 3 मंथ्स हुआ, कौन कौन मंथ हुआ, पूरा अप्रैल पूरा हो गया 1 अप्रैल से लेकर पूरा अप्रैल पूरा काउंट हुआ, मई पूरा काउंट हुआ, जून पूरा काउंट हुआ, लेकिन जुलाई टच कर रहा है लेकिन जुलाई नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे ड्यू टू स्टार्टिंग डेट, क्योंकि एक ही जुलाई को लिए है ना, तो जुलाई थोड़ी काउंट होगा, एक ही जुलाई था इसीलिए जुलाई को हम लोग इग्नोर कर देंगे पक्का। तो एक सिंपल सा एग्जांपल था, कोई दिक्कत मतलब पूरा पिक्चर हो रहा है क्या मतलब है ये चीज, ठीक है। हम सीए ग्रुप का एग्जाम्पल लिए थे तो सीए ग्रुप ही प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट हुआ, या कोई कंपनी हम खरीद लेगी तब भी वही केस होगा, दो केसेस में होता है, या तो हम खुद को कन्वर्ट करें या तो कोई हमको खरीद ले, दोनों केस में ये चीज अप्लाई होता है।